नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से हमारे द्वारा इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती की रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दी है, कोई अपडेट नहीं दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार संपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं सर GDS का कुछ नया अपडेट दीजिए, फिफ्थ वे लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, आखिर क्या है मामला, हमें कुछ अपडेट तो आप दीजिएगा। तो आपको मैं बिल्कुल बेहतरीन अपडेट यहाँ पर दे रहा हूँ, एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती 2022 के विषय की। सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, वह है पांचवी वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई है अब तक, जारी होगी या फिर नहीं होगी। देखिए दोस्तों, लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो है कैंडिडेट्स इतने नहीं पास होंगे, बहुत कम कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी तो जो है लिस्ट ही जारी नहीं होगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, किसी भी दिन किसी भी समय और किसी भी वक्त जो है आपकी GDS की पांचवी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। फिक्स डेट नहीं बताऊंगा, ना ही कोई मैं आपको ऐसे गुमराह नहीं करूंगा कि उस दिन जारी होगी, लेकिन अब लास्ट पड़ाव पर है। खबर मिल रही है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है आपकी लिस्ट जारी होने वाली है, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल इतना आप टेंशन ना करिएगा, ठीक है। फालतू की सोशल मीडिया पर जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि GDS की लिस्ट जारी हो गई है, आप देखिएगा इतने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो गया है, मेरे भाई क्यों पागल बन रहे हो। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मुझे समय समय पर GDS के रिगार्डिंग अपडेट देना पड़ता है, क्योंकि GDS के बारे में हर कोई जो है वीडियो बनाने लग गया है, और वीडियो भी इतनी झूठी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप खुद समझदार हो, किसी का नाम लेने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, कह रहे हैं सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सक्सेसफुली हो चुका है, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ गए हैं, तो क्या हम सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरे भाई, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हो चुके हो, आपकी नौकरी कहीं ना कहीं GDS में लग चुकी है, बिल्कुल टेंशन ना करिएगा। नेक्स्ट आप सवाल कर रहे थे कि जॉइनिंग लेटर कब तक आएगा। दोस्तों अभी दोस्तों जॉइनिंग लेटर का बांटना शुरू नहीं हुआ है, जल्द से जल्द जो है अगले मंथ से कहीं ना कहीं GDS का जॉइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। अब नौकरी तो आपकी लग ही गई है, तो सब्र का फल मीठा होता है, तो इंतज़ार तो थोड़ा करिए यार, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। जॉइनिंग लेटर अभी किसी का नहीं आया है, और किसी भैया का आ गया हो तो बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम तो आ चुका है, लेकिन किसी कारणवश वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंचे हैं। अब कारण उनके अलग अलग हो सकते हैं। वो कह रहे हैं सर हमारा नंबर तो आया है लिस्ट में, लेकिन हम DB करवाने ही नहीं गए, क्या हमें चांस दिया जाएगा। दोस्तों चांस तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई चांस दिया जाएगा दोबारा से, क्योंकि अब तो चार चार लिस्ट जारी हो चुकी है, बार बार जो है आपको सचेत किया जा रहा था कि आप DB करवाने आइए, लास्ट डेट भी बढ़ाई थी, तो नहीं लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं आपका इसमें नुकसान हुआ है, आपकी लापरवाही से आपको जो है कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर बैठे हो। चांस मुझे नहीं लगता है कि आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट फिर भी किस्मत ने साथ दिया, तो आप तैयार रखिए डॉक्यूमेंट्स को, क्या पता आपकी किस्मत हुई तो कहीं ना कहीं चांस मिल जाए, बाकी मुझे नहीं लगता। GDS की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं जिनका सपना इस बार पूरा नहीं हुआ है, अच्छी खासी परसेंटेज जिसकी 98% है 10वीं क्लास में, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। 38,000 से जो है ज़्यादा इस बार वैकेंसी थी, उसको आस थी कि GDS में कहीं ना कहीं इस बार हमारा सिलेक्शन होगा, 98% वाले का नहीं हुआ है। अब वह यह पूछ रहा है सर नेक्स्ट GDS की भर्ती कब आएगी। मेरे दोस्तों यह प्रत्येक साल भर्तियां निकलती रहती है, तो 2022 के अंदर तो आपका रिक्वायरमेंट निकल चुका है, अब जो है कहीं ना कहीं 2022 के लास्ट तक हमें अपडेट अवश्य मिलेगी GDS भर्ती को लेकर, तो आप चिंता ना करिएगा, ठीक है। भर्ती तो आएगी लास्ट 2022 में, कहीं ना कहीं हमें मालूम चल पाएगा। एंड ये भी सवाल है कि न्यू इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर
कौन सी वैकेंसी चल रही है वर्तमान में, कोई भर्ती आई है क्या। दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आज की मैं अपडेट दूं मैं आपके लिए, तो कोई भी भर्ती नहीं है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो स्पोर्ट पर्सन है, जो डिपार्टमेंटली पर्सन है, उनके लिए भर्तियां चलती रहती हैं, तो वो अपन के मतलब के नहीं है। आपके लिए जीडीएस में या फिर कोई और इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी जो है रिक्वायरमेंट नहीं निकाला गया है। इसलिए आपको मैं यह भी बता देता हूँ कि बार बार जो है आप यूट्यूब पर पागल ना बने, क्योंकि मैं भी खुद देखता हूँ, आप देखते हो तो मैं भी देखता हूँ कि कितना ज़्यादा यार पागल बनाया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा भर्ती आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई हो गए हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी बता रहे हैं कि फॉर्म की डेट ये है, इतनी फीस लग रही है, लाखों पर भर्ती आ गई है। मेरे भाई ये समझ में नहीं आता है, एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है कोई नहीं समझता। जिसकी उंगली कटती है उसको ही दर्द होता है, ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं, उनका क्या मतलब निकलता है ऐसे झूठ बोलने का। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं आपको अपडेट मेरा देने का मतलब यही है कि पर्दाफाश कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने 5 प्रश्नों का जवाब तो दिया है, लेकिन बहुत सारों की धज्जियां उड़ गई है, जो बहुत सारे झूठ बोल रहे थे इन टॉपिक के ऊपर, उनका पर्दाफाश भी हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेगा अब वो उन पर विश्वास नहीं करेगा जो पागल बना रहे हैं, जो बेरोजगार अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, ओनली अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए और एक बेरोजगार के दर्द को समझने के लिए। तो मेरे भाई आपके छोटे बड़े भाई का साथ दीजिए, इंस्टाग्राम पर आइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा एंड जो गलत कॉमेंट करेंगे उनको संभालिएगा, क्योंकि आप ही सब कुछ हो, आपने मेरा अच्छा साथ दिया है, कहीं ना कहीं अभिषेक क्लासेस के लिए आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, इसी आपकी दुआ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो झूठ बोलेगा उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। बस आपका साथ है तभी मेरी जो है हिम्मत बढ़ती है। तो मेरे भाई थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।